हेलो साथियों वेलकम टू यूपी एग्जाम्स वाला यूपी एग्जाम्स वाला में आप सभी का स्वागत है सभी विद्यार्थी आ जाएंगे सेशन की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं हमारे सभी साथी हमारे सभी विद्यार्थी आ जाएंगे हम लोग सेशन की शुरुआत साथी कर चुके हैं अब चूंकि सेशन शुरू हो गया है तो अब आपको सभी को नमस्ते नमस्कार और गुड इवनिंग चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये सेशन जो हमारा होता है इसमें यूपी स्पेशल के भी सवाल होते हैं लेकिन पूरा एक घंटा अब यूपी स्पेशल पे तो नहीं खर्च कर सकते मेरे ख्याल से फिर वो समय की बर्बादी है अगर पूरा एक घंटा हम यूपी स्पेशल पर ही खर्च करेंगे तो क्योंकि उतने भी सवाल नहीं पूछे जाते जितना हम लोग सोच लेते हैं अक्सर तो बता दीजिए भाई आगे सभी लोग खुश हो हाँ हाँ जी भाई तो सभी लोग आ जाएंगे ठीक है ठीक है अब सवाल पहला नंबर आ, पहले नंबर सवाल आ जाता है आप लोगों के सामने कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया यूपी में पहला राष्ट्रपति शासन पूछ रहा है भैया कब लागू किया गया यूपी में पहला राष्ट्रपति शासन पॉलिटी है क्या पॉलिटी की अगर थ्योरी आपको कंप्लीट यूपीएसआई लेवल की पढ़नी है तो पॉलिटी का एक बैच है हमारे पर, 249 का, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं बेहद सस्ता है आप उसे परचेज कर सकते हैं चाहे तो है ना एक बैच है हमारा आप उसे परचेज कर सकते हैं तो आपसे पूछ रहा है विद्यार्थी हाँ। क्या पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया तो देखो यहां से ना सवाल कई बार पूछे गए हैं एक बार नहीं कई बार कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है ऐसा सवाल बनता है कि या पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे या अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे ऐसे सवाल पूछा जाता है देखो मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे समझाऊं तो उत्तर प्रदेश में कुल दस बार राष्ट्रपति शासन लगा है है ना इसमें से प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था यह लगा बेटा 25 फरवरी उन्नीस को कब फेब 1968 अड़सठ को पच्चीस फरवरी उन्नीस सौ अड़सठ को पहला राष्ट्रपति शासन लगा था इस बात को जानते हैं सब बहुत बढ़िया इस समय मुख्यमंत्री कौन थे सीएम कौन थे तो चौधरी चरण सिंह साहब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह साहब उस समय इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 25 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लग गया और ये एक साल एक दिन तक रहा था अर्थात इसकी अवधि कितनी थी क्योंकि अवधि भी पूछ लिया जाता है तो इसकी अवधि थी एक वर्ष एक दिन तो ये एक वर्ष एक दिन का राष्ट्रपति शासन था अंतिम राष्ट्रपति शासन कब लगा था तो अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा था आठ मार्च दो को आठ मार्च दो को लगा था इस समय सीएम थे राजनाथ सिंह वर्तमान में जो भारत के रक्षा मंत्री हैं यही उस समय सीएम थे तो राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय कौन थे बेटा राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ये जो समय था इसकी अवधि थी इसकी अवधि थी छप्पन दिन अर्थात 56 डेज का राष्ट्रपति शासन था जो अंतिम लगा है तो पहला उन्नीस में लगा था अंतिम हजार, हजार दो में लगा है फिर से याद रखो पहला राष्ट्रपति शासन दो में लगा था तब चीफ मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह साहब और लास्ट लगा है 8 मार्च 2002 को तब चीफ मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे ठीक है छप्पन डेज के लिए तो आपका क्या हो जाएगा आंसर यहां पे है ना तो 25 फरवरी अर्थात पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला कहने वाले जो विद्यार्थी उनकी संख्या को एक बार देख लेते हैं तो पहला कहने अरे वाह पचासी प्रतिशत बच्चों ने पलक है नंदिनी है अरे अरे वाह गजब 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 दिया तुमने तो भाई ऐसा गजब कैसे ढाते हो अब अगला सवाल पूछा है कि इनमें से या निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए बड़ा अच्छा प्रश्न है पूछ रहा है आपसे सही विकल्प का चयन करना है आप लोगों को बड़ा अच्छा प्रश्न है सही विकल्प का चयन करिए भैया आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए चिकनकारी की शुरुआत महारानी नूरजहां ने की आगे है चिकनकारी व्यापक रूप से मथुरा में बनाई जाती है नायब ने कह रहा है कि सर मैंने गलत कर दिया हाँ तो तुमने गलत किया है उसमें क्या है आगे है जरदोजी हस्तशिल्प अवधि के शासकों द्वारा विकसित की गई थी आगे चिकनकारी सूट के लिए मशहूर है बारी बाजार तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं आप आंसर कर दीजिए भाई ना आप सही जो इसमें जो सही स्टेटमेंट है इसमें जो सही स्टेटमेंट है उसकी उसको बताना है चलिए तो पहले तो हम चिकनकारी देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो चिकनकारी नहीं पता सर चिकनकारी क्या होता है है ना तो जब चिकनकारी नहीं पता तो कैसे बताओगे देखो चिकनकारी ना दो शब्दों से बना है एक है चिकन चिकन मतलब मुर्गा ऐसे ही होता है क्या कारी तो आप जानते हो कारी मतलब किसी कार्य को करने की जो कला होती है उसको कहते हैं ऐसे कह बहुत कलाकारी करते हो तो कला को करने वाली जो कलाकार होते हैं उनकी जो कला है उसको कलाकारी बोलते हैं अरे बड़ा कलाकारी किया तुमने तो इस काम में तो कार्य मतलब एक तरह से करने की विधा प्रक्रिया है ना किसी काम को करने की प्रक्रिया तो चिकन क्या हो जाएगा यहाँ पे तो मुर्गे को बनाने की प्रक्रिया चिकनकारी नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे जो चिकन शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है किसका है फारसी भाषा का शब्द है इस बात को समझिए इसका अर्थ होता है सुई से बुना हुआ कपड़ा है ना चिकन का मतलब होता है सुई से सुई मतलब जो कपड़े सिलने वाली होती है सुई से बुना हुआ कपड़ा चिकन का मतलब होता है एक कपड़ा जिस जो कि सुई से बुना हुआ है उसको हम चिकन बोलते हैं अब किसी कपड़े पर अगर इस प्रकार से बुनी बुनाई की जाए इस प्रकार के अगर डिजाइन की जाए सा, सामान्य तौर पर सफेद धागा से की जाती है चिकनकारी है ना सफेद धागा से तो इसको हम चिकनकारी बोल देते हैं ये आमतौर पर आज के समय में लखनऊ में बड़ा प्रसिद्ध है लखनऊ के जो शासक थे अवध के नवाब इन इनके क्षेत्र में ज़्यादा विकसित हुई आप लखनऊ को जानते हैं लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है है ना चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे लेकिन सर इसकी शुरुआत किसने की तो इसकी शुरुआत की जहांगीर की जो पत्नी थी जिनका नाम था नूर जहां। है ना तो इस कला की शुरुआत की नूर जहां ने तो आप याद रखेगा कि चिकनकारी की शुरुआत महारानी नूर ने की तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा अब ए कहने वाले बच्चों को देख लेते हैं ए कहने वाले बच्चे कितने हैं जिन्होंने ए आंसर दिया अच्छा प्रश्न था चिकनकारी से संबंधित हमारे प्रदेश में लखनऊ को जाना जाता है लखनऊ का ओडी ओपी भी चिकनकारी और यही सब है आप इसको जानते हैं तो नूरजहाँ ने किया था इसकी शुरुआत और केवल 20 प्रतिशत बच्चे बीस प्रतिशत में अंशुल हैं वैभव हैं हैं इरम हैं, हैं सीमा हैं धीरेन्द्र हैं और अंकित यादव हैं केवल सात बच्चे हैं जिनका आंसर सही था अच्छा प्रश्न है किसी परीक्षा में आ जाएगा ठीक है हाँ। अच्छा प्रश्न है किसी परीक्षा में आ जाएगा जो हो मुर्गा खाते हैं उसे ताम से कहा जाता है।, है चलो आगे आ जाते हैं अगला प्रश्न आपके सामने कराए कि गुजरात में उगाई जाने वाली इनमें से प्रमुख फसल कौन सी है सवाल थोड़ा सा हटके है गुजरात में उगाई जाने वाली इनमें से प्रमुख फसल कौन सी है कह रहा है सर जी लैक पीस लैक पीस नहीं होता पगले आ जाओ आंसर करो सवाल पूछ रहा है आपसे कह रहा है कि गुजरात में उगाई जाने वाली देखो चावल की खेती होती नहीं दाल भी नहीं होती सरसों भी नहीं होती गुजरात में कपास होती है कपास के बाद गुजरात में मूंगफली होती है इन दोनों फसलों के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है भारत में और इसके बाद होता है गुजरात में क्या बाजरा तो गुजरात में बाजरा भी एक मुख्य फसल है तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा सी बताया है बहुत सारे बच्चों ने तो सी आंसर उत्तर प्रदेश आप सब जानते हैं है ना पिछले साल बाजरा के उत्पादन में सेकंड स्थान पर रहा है आप लोग याद रखिएगा हमारा यूपी जो है वो बाजरा के उत्पादन में सेकंड स्थान पर है हमारा यूपी चावल के उत्पादन में भी सेकंड स्थान पर है गेहूं के उत्पादन में फर्स्ट या प्रथम स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में भी अब सेकंड स्थान पर है पहले फर्स्ट पे होता था अब सेकंड पर आ गया है चलिए तो आपका राइट आंसर यहाँ सरसों हो जाएगा और सरसों कहने सॉरी बाजरा हो जाएगा और बाजरा कहने वाले जो बच्चे हैं वो है पैंसठ प्रतिशत बच्चे कितने है? केवल 65 हैं केवल सिक्सटी फाइव प्रतिशत है अगला है इनमें से किस राज्य ने अपने स्थापना दिवस पर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से प्रतिभाओं को सम्मानित किया है ना लक्ष्मण और, और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों से प्रतिभाओं को सम्मानित किया तो बता दीजिए भैया आपका क्या हो जाएगा अच्छा प्रश्न है आपके सामने कौन सा राज्य अपने स्थापना दिवस पर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से पुरस्कृत करता जरूरी नहीं है हर साल करेगा लेकिन आमतौर पर करता है तो कोई नहीं बता रहा चलो मैं बताता हूं आप लोगों को आंसर हो जाएगा हमारा हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है विद्यार्थी कौन सा है उत्तर प्रदेश राज्य इसका जो स्थापना दिवस होता है जिसे उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जानते हैं यह प्रतिवर्ष 24 जनवरी को होता है इस बार ये छठवे नंबर का था तो हमारा क्या था इस बार छठवा स्थापना दिवस नहीं था छठवा उत्तर प्रदेश दिवस था स्थापना दिवस तो आ, आ, 1950 में पहला था है? तो उत्तर प्रदेश दिवस था क्योंकि 2018 में इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 24 जनवरी में तो अब आप इस बात को याद रखिएगा कि जब उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है तो प्रदेश की प्रतिभाओं को इस दिन लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों से पुरस्कृत पुरस्कृत किया जाता है लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता है ये उत्तर प्रदेश राज्य है जो ऐसा करता है कौन है उत्तर प्रदेश राज्य इस बात को आप लोग याद रखेंगे अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि भैया इस बार की थीम क्या थी हमारे स्थापना दिवस की है ना बताओगे को कोई आप में से इस बार हमारे उत्तर प्रदेश दिवस की थीम क्या थी कोई बता सकता है क्या आप में से इस बार हमारे उत्तर प्रदेश दिवस की थीम क्या थी कोई बता सकता है आप में से बताइए अगर अगर बता सकते 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 हो 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 ऐसा ऐसा कर कर तो तो जरूर कर ऐसा अगर कर सकते तो जरूर करिए भाई करो हमारे इस बार के स्थापना दिवस की थीम क्या थी हमारे इस बार के स्थापना दिवस की थीम क्या थी बता दीजिए भाई है ना निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने स्थापना दिवस पर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मी बाई बट मैंने अब पूछा स्थापना दिवस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एकदम सही निवेश और रोजगार इस इस बार बार की की थीम थीम थी थी निवेश और रोजगार आंसर थी, आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही बी, बी सही आंसर है और बी कहने वाले सेवनटी सेवन प्रतिशत हैं बहुत ही ज्यादा हैं अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग अगला प्रश्न बड़ा बड़ा सा दिख रहा है तो पढ़ लेते हैं पढ़ो ध्यान से कह रहा है सर बताने वाले को सात करोड़ मिलेंगे अच्छा कह रहा है कि दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के चवालीस हजार से अधिक स्कूलों को निपुण स्कूल का दर्जा मिल जाएगा बहुत अच्छा प्रश्न है ध्यान से सुनो बहुत बढ़िया प्रश्न है कह रहा है दिसंबर 2023 तक मतलब आने वाले 2023 तक उत्तर प्रदेश के चवालीस हजार से हमारे स्कूल हमारे जो स्कूल के जो टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल जूनियर स्कूल उन उन टीचर्स को ट्रेनिंग चल रही अभी है अभी लगातार है ना तो कह रहा है उनको निपुण स्कूल का दर्जा मिल जाएगा निपुण का अर्थ क्या है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय सेवाकालीन प्रशिक्षण नौसिखिया शिक्षकों में शैक्षणिक समझ का पोषण और विकास करना शिक्षक चरण सेकंड के लिए निष्ठा इन सर्विस ट्रेनिंग नौसिखीय शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए राष्ट्रीय पहल तो आप लोगों को बताना है बता दीजिए भाई चलिए हाँ देखो इसको ना दो चरणों में बांटा गया था इसके दो चरण थे है ना step one और step two, चरण दो दिसंबर 2022 में समाप्त हो चुका है लगभग साढ़े तीन लाख टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई और स्टेप टू दिसंबर 2023 में समाप्त होगा है ना दिसंबर 2023 में तो सेकंड चरण शिक्षक चरण सेकंड के लिए निष्ठा इन सर्विस ट्रेनिंग तो आप मेरी बात को फिर से सुनिए दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के चवालीस हज़ार से अधिक स्कूलों को निपुण का दर्जा मिल जाएगा मतलब इन स्कूलों के जो टीचर्स होंगे उनको अपने विषयों में पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है साथ के साथ सामाजिक जो सेवाएं होती हैं उनकी इनको ट्रेनिंग दी जा रही है विभिन्न विषयों में किस प्रकार के शिक्षकों बच्चों के साथ वार्ता करके उनको कैसे समझाया सके समझाया जा सके इस बात की उनको ट्रेनिंग दी जा रही ताकि बच्चों को सोशल बनाया जा सके बच्चों को जो शिक्षा पाठ्यक्रम में है उसके साथ साथ तो उनको सामाजिक जानकारी दी जा सके इस प्रकार से शिक्षकों को निपुण बनाया जा रहा है जो कि दो चरणों में था पहला चरण 2022 में खत्म हो चुका है और दूसरा चरण दिसंबर 2022-23 में समाप्त हो जाएगा तो आपका हो जाएगा शिक्षक चरण सेकंड के लिए निस्टाइन सर्विस की ट्रेनिंग शिक्षकों को देना अर्थात सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है तो सी कहने वाले विद्यार्थियों की संख्या चौंतीस है अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं अर्थात पी आर आई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिलाओं के लिए सबसे पहले किस राज्य ने 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की आज अगर हम लोग बात करें तो भारत में 50 से ज्यादा राज्यों की जो पंचायतों की सीटें हैं वो सॉरी भारत के 20 से ज्यादा राज्यों की पंचायतों की सीटें 50 परसेंट महिलाओं के लिए रिजर्व है बीस से ज्यादा राज्यों की सीटें भारत के आसपास के तमाम राज्यों की जैसे बिहार है झारखंड है मध्य प्रदेश राजस्थान हिमाचल इन सब राज्यों की 50 परसेंट सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है लेकिन उत्तर प्रदेश में एक तिहाई सीटें हैं यूपी की बात करें तो यूपी की पंचायतों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं आप इस बात को जानते हैं अब आप आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य ने सबसे पहले कौन से राज्य ने सबसे पहले चलिए कौन से राज्य ने सबसे पहले हाँ देखो अगर हम लोग बात करें तो ये कानून भारत में आया 1992 में उन्नीस हुआ 1993 में कौन सा 73वां संविधान संशोधन क्योंकि इसी में तो लिखा था इसके आर्टिकल दो डी में ही तो ये बात लिखी है कि प्रत्येक राज्य की पंचायतों की कम से कम एक तिहाई मिनिमम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी ये इसी अनुच्छेद में तो है भैया कि कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी अब सबसे पहला राज्य अगर हम इनमें से बात करें तो बिहार था बिहार ने 2005 में ही कब बिहार ने 2005 में ही मेरी बात को ध्यान से सुनिए बिहार राज्य ने वर्ष 2005 में ही महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें रिजर्व कर दी राजस्थान ने इसके पांच साल के बाद राजस्थान की बात करें तो भारत का एक और पड़ोसी राजस्थान ने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें 2010 में तो बिहार इसमें पहला राज्य है जिसने वर्ष 2005 में महिलाओं के लिए 50 परसेंट सीटें रिजर्व कर दी और राजस्थान दूसरा राज्य है तो आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा बिहार ना के मध्य प्रदेश तो आपका राइट आंसर सी और सी कहने वाले बच्चों की जो संख्या है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 परसेंट सीटें 26 प्रतिशत बच्चों का आंसर सही है जिसमें विमल है वीर है कल्पना है सीमा है पलक है शरद है अंकित है नंदिनी ऐसे करके ये ग्यारह बच्चे हैं जिनका आंसर एकदम सही है अगले सवाल पर आ जाते हैं कह रहा है, है। संयुक्त तो प्रांत के अच्छे प्रश्न है आज के थोड़े से मुश्किल जरूर है मैं इस बात को मानता हूं लेकिन अच्छे प्रश्न है सवाल आपके सामने है कह रहा है संयुक्त प्रांत के अंतिम गवर्नर जनरल और उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल या गवर्नर जनरल अब नहीं कहे जाएंगे अब तो ये राज्यपाल ही कहे जाएंगे तो संयुक्त प्रांत के अंतिम गवर्नर जनरल जिसे राज्यपाल भी कह सकते हैं लेकिन तब तक तो संविधान नहीं था तो इसे गवर्नर जनरल कहा जाता है या उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल एक ही व्यक्ति थे वे कौन थे न्यायाधीश बीबी मलिक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी अर्थात के एम मुंशी जिन्हें कहा जाता है सर मॉरिस गार्नियर गार्नियर हैलिट या फिर एचपी मोदी तो आप लोग बताओ एचपी मोदी तो आंसर सभी विद्यार्थी यहां पे करेंगे मैंने पूछा है आपसे कि संयुक्त प्रांत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कितनी बार बताया है आप लोगों को कि 2 मार्च 1900 है ना 2 मार्च 1949 तक है ना 15 अगस्त 1947 से लेकर 1947 से लेकर 2 मार्च उन्नीस तक सरोजनी नायडू थी हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन थी सरोजनी नायडू इसके बाद 2 मार्च उन्नीस सौ मार्च उन्नीस को और हमारे संविधान के लागू होने के बाद तक कौन थे आपके एचपी मोदी थे अरे भाई कितनी बार बता दिया उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल यूपी की बात करें जब ये यूपी बन गया तो आपके एचपी मोदी थे भाई होराम सिंह फिरोज शाह मोदी थे भाई गड़बड़ आपने करना ही करना है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप गड़बड़ करोगे क्योंकि आप गड़बड़ नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा कितनी बार बताए कि भैया एचपी मोदी थे सरोजनी नायडू के बाद एचपी मोदी थे सरोजनी नायडू के बाद पोल स्टार्ट ही नहीं हुआ था गड़बड़ हो गया भाई अब आंसर कर दो अब दोबारा से सब आंसर अब तो तुम डी कर दोगे तो फायदा क्या है चलो कोई बात नहीं डी कहने वाले बच्चों की संख्या हम ऐसे ही मान लेते हैं जीरो प्रतिशत है लो जीरो प्रतिशत है डी कहने वालों की सबने गलत कर दिया कराए कि उत्तर प्रदेश का सिगरेट उद्योग इनमें से किस शहर में स्थित है या किस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश का सिगरेट उद्योग कहाँ पर स्थित है चार ऑप्शन आपके सामने है। सर लखनऊ में है सर सहारनपुर में है कानपुर में है मेरठ में है देखो मेरठ की अगर बात करें तो खेल के सामान के लिए मेरठ जाना जाता है है ना और इसे कैंची नगरी भी कहा जाता है अर्थात कैंची भी बनती है लेकिन बड़ा उद्योग जो है मेरठ का वो खेल का सामान है वैसे ही कानपुर की बात करें तो कानपुर आपके वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है आपके चमड़ा के सामान के लिए जाना जाता है आपके वस्त्र और चमड़ा सहारनपुर की बात करें तो कास्ट अर्थात लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है है ना कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है तो लखनऊ आप सब जानते हैं चिकनकारी और जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है लेकिन हम सिगरेट की बात करें अब ऐसे तो चारों सर ने बता दिए लेकिन सिगरेट का ऑप्शन तो है ही नहीं तो सहारनपुर में हमारे प्रदेश का सिगरेट उद्योग है है ना हमारे प्रदेश का सिगरेट उद्योग सहारनपुर में है आ रही बात समझ में आप लोगों को तो हमारा सही आंसर यहाँ पे साथियों बी हो, हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं टाइगर श्रॉफ है कि आई भैया तुम इस क्लास में क्या करोगे आप मुझे बताओ इस क्लास में क्या करोगे तो बी कहने वाले बच्चों की संख्या पचपन प्रतिशत है।, है ना पचपन परसेंट बच्चों पर ने आंसर सही किया है, जिनका नंबर पच्चीस है अगले प्रश्न पर आ जाते हैं कह रहा है, है। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि बेहद आसान सवाल है राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी सवाल कह रहा है आप लोगों से कि महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी बताओ महात्मा गांधी को खुद उपाधियां दूसरों से मिली थी चाहे महात्मा की उपाधि हो चाहे राष्ट्रपिता की उपाधि हो तो महात्मा गांधी ने भी एक उपाधि चिपका दी किसको चिपकाई राष्ट्र कवि की उपाधि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महादेवी वर्मा को या मैथिली शरण गुप्त को या जयशंकर प्रसाद को तो छोटा सा सवाल है भाई तुम भी चिपका दो आंसर अपना हम्म तुम भी चिपका दो भाई तुम भी चुपका दो भाई एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त नाम जरूर उनका मैथिली था लेकिन बिहार से नहीं थे यूपी से थे झांसी में गांव था चिरगांव बुंदेलखंड में इसी चिरगांव में इनका जन्म हुआ था मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था सर तो तीन अगस्त अठारह को इनका जन्म हुआ था झांसी में नाम था मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त की एक रचना थी जिसको भारत भारती कहते हैं क्या बोलते हैं भारत भारती कहते हैं 1912 की ये रचना है भारत भारती और इसी रचना से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा कि वाह गजब तुम तो भाई राष्ट्र कवि हो पूरे देश में तुम्हारा तुम्हारी पहचान होनी चाहिए है ना राष्ट्र कवि हो पूरे देश के कवि हो भाई तो भारत भारती के लिए इनको इन्होंने क्या दी थी राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी कई और रचनाएं जैसे साकेत है चिरगांव झांसी पोस्टेड रह चुके हैं सर कौन रह चुका है पोस्टेड भाई कुछ भी बोलता है तो मेरी पोस्टिंग कहीं और क्यों करवा रहा है भाई हाँ जी कौन रह चुके हैं तो, <laughs> तो मैंने मैंने आंसर किया क्या हो जाएगा यहां पे सी ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त मैंने कहा साकेत और आध दो रचना बताओ इनकी साकेत बताओ सी नहीं हुआ तो अब पहले एक बिगड़ा हुआ बालक था नायब अब दूसरा भी बालिका हो गई हो। एक कह रही है कि सी नहीं हुआ तो बंदर बेचूंगी अब तुम कहां से ट्रेनिंग मिल रही है तुम्हें आजकल इन सब चीजों की क्यों कहाँ से मिल रही है तो इनकी कई रचना थी भाई साकेत थी हाँ, साकेत थी पंचवटी थी बताते तो हो नहीं गुरुकुल थी निर्जर थी निर्झर निर्झर है ना ये सब इनकी रचना थी भाई है ना आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश से ही थे मैथिली शरण गुप्त साहब अगले अगले सवाल पर आ जाते हैं छियासी प्रतिशत बच्चों का सही है अरुणा मौर्या तुलसी दीपू अरुण ऐसे करके कुछ बच्चे हमारी क्लास में जिन्होंने पैंतालीस बच्चे अगला प्रश्न है करें इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है कौन सा इनमें से टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है पन्ना पन्ना आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में है पन्ना कहाँ है मध्य प्रदेश में है पन्ना के बगल में ही हमारा अब उत्तर प्रदेश का बन गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व ठीक है जिम कार्बेट आपके उत्तराखंड में है अमनगढ़ हमारे बिजनौर उत्तर प्रदेश में है कहाँ पे बिजनौर उत्तर प्रदेश में है सरिस्का राजस्थान में है है ना राजस्थान में तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा अमनगढ़ अमनगढ़ किस किसने बोला है तो बता दीजिए भाई अमनगढ़ आंसर हो जाएगा बी बी कहने वाले बच्चों की जो संख्या है हमारी वो संख्या है केवल कितनी केवल बासठ प्रतिशत बाकी चौबीस प्रतिशत कह रहे हैं जिम कार्बेट उत्तर प्रदेश में है इतने चाटे पढ़ने चाहिए तुम्हारे कि तुम होश में आ जाओगे जिम कार्बेट उत्तर प्रदेश में है ना चलिए है ना चलिए हाँ ये सही था कि अगर बी नहीं हुआ तो सही आंसर चेंज कर लेंगे तुम लोग सही है सही टाइम पास हो रहा है तुम्हारा है ना अठारह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे अठारह में है ना अठारह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे छोटा सा सवाल सही टाइम पास कर रहे हो तुम इस क्लास में आके तुम सबके सब बताओ सब। जल्दी से सवाल पूछा जा रहा है आपसे अठारह में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो देखो अठारह कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था ये थर्ड अधिवेशन था हर अधिवेशन में एक नया अध्यक्ष बनता था तो कांग्रेस के थर्ड अध्यक्ष थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी बदरुद्दीन तैयब जी ठीक है कांग्रेस के थर्ड अध्यक्ष थे और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे है ना कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे अठारह सौ का सत्र हुआ था मद्रास में कहाँ पे मद्रास में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था मद्रास में अठारह का तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बद्रुद्दीन तैयब अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है सी कहने वाले बच्चे एकदम सही बोल रहे हैं उन्होंने बिल्कुल भी गलत नहीं बोला तो बदरुद्दीन तैयब कहने वाले पैंसठ प्रतिशत हैं विशेष अरुणा वैभव आकांक्षा अरुण दीपू संदीप जितेंद्र खेमपाल निखिल वीर नागेंद्र शशि मनीष दीपू इरम आदित्य रॉय है ना आदित्य रॉय नेहा शरद कल्पना मिस्टर वर्ल्ड सॉफ्ट गर्ल नंदिनी ऐसे करके बच्चों की संख्या है बत्तीस जिन्होंने सही किया है है ना अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है अब बताओ बताओ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है 2018-19 वाले कांस्टेबल के पेपर में पूछा था उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है तो कुछ भी पूछ सकता है भाई भरोसा कुछ भी नहीं है एक अच्छा प्रश्न सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन करने वाला जिला है ना मूंगफली भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित मूंगफली कहाँ पे होती है गुजरात में लेकिन उत्तर प्रदेश में मूंगफली कौन से मौसम की फसल है हाँ। चलो आंसर फटाफट पट से तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला हमारा झांसी हो जाएगा झांसी झांसी में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है हमारे बुंदेलखंड का जिला है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कह रहा है सर हमारे गांव में तुम्हारा गांव जिला तो नहीं है ना तुम्हारा गांव जिला है क्या नहीं कल को तुम कहोगे सर हमारे खेत में तो तुम्हारा खेत भी जिला नहीं है इकतालीस बच्चों का आंसर ठीक है बाकी क्या ही किया जा सकता है अगले सवाल पर आ सकते हैं बस हम और कुछ नहीं कर सकते भाई अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने को एक परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया था हमारे प्रदेश में एक परिवार एक पहचान बन गया है ना पोर्टल है एक परिवार एक पहचान हर परिवार की एक आईडी होती है जैसे आधार कार्ड से हमें इंडिविजुअल आधार नंबर मिलता है इंडिविजुअल व्यक्तिगत आधार नंबर वो व्यक्तिगत पहचान है हमारी वैसे ही एक परिवार एक पहचान उत्तर प्रदेश में बना दी गई है है ना एक परिवार एक पहचान तो बता दीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि इस पोर्टल को कब लॉन्च किया था योगी आदित्यनाथ ने वन फैमिली वन आईडी इसको इंग्लिश में कहते हैं चलिए इसे कहते हैं कि इसे लागू इसलिए किया गया था क्योंकि योगी जी का एक योजना है कि एक परिवार एक नौकरी तो एक परिवार एक नौकरी की योजना को एग्जीक्यूट किया जा सके इसलिए उन्होंने पहले वन फैमिली वन आईडी या वन फैमिली वन आइडेंटिटी इसको लागू किया और इसे लागू किया था उत्तर प्रदेश में 9 फरवरी सन 2023 ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि सर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा अब आपको नहीं लगता कि आपने गलत कर दिया है राशन कार्ड को ही बना दिए अच्छा तो 9 फरवरी सन 2023 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही जवाब टिप्पा मार देते एक दूसरे का मुझे ऐसा लग रहा है C होगा। 18 बच्चों का सही है ना ऑप्शन अरुण और अंकित का आठ बच्चों का केवल सही है तो तुम टिप्पा मार देते हो एक दूसरे से किसी ने सी लिख दिया ऊपर तुम्हें लगता है यार ये बहुत होशियार दिख रहा है इसका नाम ही कुछ ऐसा है तो ये होशियार है ये इसी का टिप के लिख देते हैं हम भी आंसर तो हमारा नाम आ जाएगा उस पोल में ऊपर ही हाँ जी भाई गजब बात करते हो तुम लोग भी तो 9 फरवरी सन 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने वन फैमिली वन आईडी को लॉन्च किया आप इसको याद रखेंगे चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा अब सी कहने वाले बच्चे बहुत कम है केवल अठारह प्रतिशत अगला सवाल है कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक दुर्लभ हिमालयन गिरिफोन गिद्ध पकड़ा गया आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है है ना तो वैसे ही एक सवाल है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक दुर्लभ हिमालयन गिरिफोन गिद्ध गिद्ध तो सभी अब दुर्लभ हो चुके हैं बहुत तेजी से नष्ट हो रहे हैं वैसे भी दुनिया में जो गिद्ध बचे हैं उनकी संख्या भारत में ही कुछ बची है उनके संरक्षण केंद्र के तौर पर है ना महाराजगंज जिले में बनाया गया है गिद्ध का संरक्षण केंद्र ताकि इनके प्रजनन को बढ़ा सके और इनको संरक्षित कर सके है ना आप इस बात को याद रखिए तो अब सवाल का आंसर लिखो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक दुर्लभ हिमालयन तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये कानपुर जिले में है ना ये कानपुर जिले में पकड़ा गया था कानपुर जिले में हमें मिला ये दुर्लभ प्रजाति है गिद्ध की जो कि हिमालयन है चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं सर लेट होने के लिए सॉरी लेट के लिए सॉरी कौन सी होती कोई सी नहीं होती भाई ये तो तुम्हारा घर है कभी आओ कभी जाओ क्या फर्क पड़ता है ये तो भंडारा चल रहा है एक बार खा लिया दूसरी बार आ जाओ लाइन में दूसरी बार खा लिया तीसरी बार आ जाओ कौन रोक रहा है भाई यहाँ पे तो तो इसमें भी कौन सी सॉरी बोलनी है आपको है ना लोग आज के समय में अपनी गलती करने के बाद सॉरी नहीं बोलते तुम लेट आने के लिए सॉरी बोल रहे हो जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है भाई है चलो आ जाते हैं लोग आज के आज के ज़माने में तो भाई क्या बताऊं मैं जमाना बदल गया है तो कितने बच्चे हैं जिनका सही है सोलह बच्चे हैं और बत्तीस प्रतिशत आंसर है सही बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई यहाँ पे अब छोटा सा सवाल है इसको तो सौ प्रतिशत बच्चे सही करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है हाँ मुझे पूरी उम्मीद है भाई तो सवाल है आपके सामने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित या रोक सकती है रोक सकती है विलंबित या रोक सकती है बहुत बढ़िया सावास आंसर आना शुरू हो गया है सभी बच्चों का चलिए हाँ। अब सवाल है इसमें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त को कितने गया है कि वित्त विधेयक यदि वह धन विधेयक है क्योंकि कुछ वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते और जो वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते वो साधारण विधेयक की तरह पास होते हैं तो अगर वो धन विधेयक है तो चौदह दिन और अगर वो वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो वही फिर तीन प्लस एक लेकिन तीन प्लस एक यहां पे है नहीं तो हमारा राइट आंसर पे अब हम समझ गए कि वित्त विधेयक धन विधेयक ही है और धन विधेयक की पारित करने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल एक में है राज्य के लिए अगर हम लोग बात करें और वहां लिखा गया है कि इसे सिर्फ चौदह दिन रोक सकते हैं फोर्टीन डेज विधान परिषद रोक सकती है फोर्टीन डेज के बाद अपने आप पारित हो जाएगा लेकिन अगर ये साधारण विधेयक होता तो पहली बार में तीन महीने और फिर एक महीने ठीक है चलिए तो आंसर हमारा यहां पे वी हो जाएगा भाई बी कहने वाले बच्चे जो हैं उनकी संख्या तिरान मुझे लगा सौ फीसद हो जाएंगे कोई बात नहीं अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा ये मत बोलना कि वफरिंग हो रही है कार्यवाही करवा दूंगा तुम्हारे ऊपर है ना कार्यवाही करवा दूंगा भाई तुम्हारे ऊपर उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है गलत मत करना हमारे प्रदेश हमारे देश में पांच क्षेत्रीय परिषद हैं पांच जिसमें से उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद हाँ, एकदम सही उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया शाबाश कुछ बच्चे अलग बता रहे हैं कुछ बच्चे कुछ बता रहे हैं देखो हमारे हाँ। उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर राजस्थान हरियाणा हिमाचल ये हैं तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है अब अब जो उत्तर प्रदेश है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में है जिसमें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं गड़बड़ करनी है कसम खा रखी है तो उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है में सेंट्रल उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है तो मत मारो भाई सी आंसर होगा ना कि उत्तरी होगा उत्तरी में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश हरियाणा चंडीगढ़ और राजस्थान मध्य का हिस्सा है उत्तर जिस प्रदेश जिसमें मध्य प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तराखंड जैसे राज्य हैं। चलिए तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा और इसका हेडक्वार्टर आपका इलाहाबाद में प्रयागराज में चलिए हाँ तो आंसर हो जाएगा सी सी कहने वाले बच्चों की संख्या है सात प्रतिशत केवल केवल सात प्रतिशत चार बच्चे हैं गिने चुने जिसमें राजेंद्र हैं विजय हैं कल्पना है और सीमा गुप्ता है एक बार देख लेता हूं मैं कल्पना टॉप पे हैं धीरेन्द्र सेकंड हैं फलेश मौर्या थर्ड हैं विशेष फोर्थ हैं अरुण फिफ्थ हैं अंकित सिक्स हैं टोटल बच्चे जिन्होंने कम से कम एक बार सही आंसर दिया उनकी संख्या अभी तक 88 पहुंची है कल सतासी थी कल बच्चों की संख्या बेहद कम थी कह रहा नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनके पदारूढ़ रहने का सही कार्यक्रम नीचे कूट के अनुसार चुनिएगा तो आप सब इसको जानते हैं कि सुचेता कृपलानी तो चौधरी चरण सिंह से पहले ही रही हैं इस बात को इतना तो आप जानते हैं तो हमेशा चार से पहले एक आएगा चार से पहले एक यहाँ पे है चार से पहले एक यहाँ भी है यहां नहीं है चार से पहले लेकिन यहाँ है अब चलो एक ही इस ऐसे तो एलिमिनेट हुआ और थोड़ा सा फोकस करो और थोड़ा सा फोकस करो तो शायद हो जाएगा आपका एलिमिनेट कर लो भैया थोड़ा सा कर लो सर मेरा कमेंट जा रहा है सिद्धि पांडे आपका कमेंट आ रहा है बोलिए जो बोलना है आपको हम्म नहीं बोलोगे कुछ चलो मैं बताता हूं आपको है ना सुचेता कृपलानी पहली पहली महिला मुख्यमंत्री हैं उन्नीस में बनी थी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर अरे बात समझ में संपूर्णानंद बल्लभ पंत के बाद यही तो बने थे द्वितीय मुख्यमंत्री तो संपूर्णानंद है उन्नीस सौ सर समझ नहीं आ रहा है अरे क्या नहीं आ रहा सिंपल बॉय नबीन समझोगे तब समझ आएगा तुम इन लोगों की बकैतियों में पढ़ोगे सब पढ़े लिखे लोग हैं बहुत होशियार हैं ये जो बाकी जो बकैती करते हैं क्लास में सीरियसली दो चार एग्जाम तो निकाल के बैठे हैं ये तो इनके चक्कर मत पढ़ो भाई तुम फोकस करो जो मैं समझा रहा हूँ और बाकी कुछ ऐसा नहीं बता रहा जो समझ ना आए वही बता रहा हूं जो याद करने की चीजें हैं अब मुख्यमंत्री का कार्यकाल के अनुसार सेट करना है इसमें तो समझ में नहीं आना ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती भाई ऐसा तो मैंने कुछ बताया नहीं आपको कमलापति त्रिपाठी 1971 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने बाकी चौधरी चरण सिंह साहब उन्नीस में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे आ रही बात समझ में नाइनटीन तो लगा दीजिए सबसे पहले संपूर्णानंद तो तीसरा पहले आएगा तीसरा दो जगह पर पहले है, ये कट्टा हो गया फिर उसके बाद आएगा सुचेता कृपलानी कौन आएगा सुचेता कृपलानी अर्थात अब यहां पे पहले आएगा, आएगा आपका बन तो आंसर हो जाएगा ए ए आंसर हमारा सही है है ना फिर उसके बाद आएगा, आएगा आपका सुचेता कृपलानी सॉरी माफी चाहेंगे चौधरी संपूर्णानंद तीसरा पहले फिर चौथा लेकिन यहां तो गड़बड़ है हाँ है ना इधर ये अरे भाई ये कैसे होगा देखो पहला हो जाएगा यहां पे संपूर्णानंद तीसरा फिर हो जाएगा सुचेता कृपलानी चौथा फिर हो जाएगा पहला और फिर हो जाएगा दूसरा तो चौंतीस बारह कहीं नहीं है क्या यह ना चौंतीस बार चौतीस बार यह है तो कैसे गड़बड़ हुआ भाई हमने इसको पहले इकट्ठा कैसे कर दिया हाँ ठीक तो ये चौंतीस बार है और अब भाई हमने ये वैसे ही हो जाता भाई चार के बाद एक आएगा ना सुचेता कृपलानी के बाद एक आएगा हमने उल्टा कट कर दिया था नहीं तो ये आंसर पहले ही मिल गया था हमें ये आंसर तो हमें पहले ही मिल गया था बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमने उल्टा किया और इस वजह से हम आंसर ढूंढते रहे नहीं तो ये पहले ही मिल गया था ना हमें मैंने आपको बताया था कि सुचेता कृपलानी चौधरी चरण सिंह साहब से पहले बनी है तो चौथा पहले आएगा तो चौथा पहले यहां पे नहीं है चौथा पहले यहाँ भी नहीं है एक बाद में है एक एक के बाद में यहाँ भी एक के बाद में है और यहाँ तो यही तो है एक से पहले चार तो बी आंसर तो वैसे ही मिल गया था हमने इसे पहले ही गड़बड़ कर दिया अब मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे तो बी इज द राइट आंसर और बी कहने वाले विद्यार्थी जो है देख लेते कितने प्रतिशत केवल छह प्रतिशत भाई क्या हो गया तुमको तीन बच्चे हैं अर्जुन एरम और शरद अच्छा अब आपको भी तो दिमाग लगाना था जब मैं ये कह रहा था कि सुचेता कृपलानी पहले बनी चौधरी चरण सिंह साहब से यही बोला मैंने आपसे तो इसका मतलब चौथा पहले आना था ये बाद में आना था तो अब जब मैं कट्टा कर रहा था तब तुमने बताया क्यों नहीं कि सर आपने ये बोला है कि चौथा पहले आएगा एक बाद में मैंने उल्टा कर दिया मैंने कहा एक पहले आएगा चार बाद में तो एक पहले इन तीन जगह बता दिया ये कट्टा कर दिया यहीं से गड़बड़ हो गया चलो तो आंसर आ जाते हैं अगला याद रख लो ऐसे सवाल पीसीएस में आरओ यारो में पूछा जा सकता है हालांकि कांस्टेबल या यूपीएसआई में नहीं पूछा जाएगा अगले प्रश्नों पर आ जाते हैं अगला बड़ा छोटा सा प्रश्न आप लोगों के सामने है कह रहा है कि कूट एक को कूट दो के साथ सुमेलित कीजिए और जो सही हो उसे निकाल के लाइए एरम कह रहा है कि कह रहा है कह रही है अब ये नहीं पता मुझे कह सर कट्टा कट्टा न बोलिए हंसी आ रही है गजब बात है तो कह रहा है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए अंबेडकर नगर का मुख्यालय आप सब जानते हैं अकबरपुर हो जाएगा है ना जालौन का उरई हो जाएगा कानपुर देहात का अकबरपुर माति हो जाएगा सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो जाएगा सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो जाएगा है ना चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा देखो सिद्धार्थ नगर नौगढ़ डी का सेकंड होना चाहिए ना तो डी का सेकंड यहां पे है और यहाँ पे है जालोन का उरई हो जाएगा तो जालोन का उरई सी के सामने फोर है तो सी के सामने फोर हमसे ना गड़बड़ हो गया अंबेडकर नगर आपका अकबरपुर माती हो जाएगा कानपुर देहात का अकबरपुर हो जाएगा हाँ ऐसे होगा ए के सामने आपका फर्स्ट होगा बी के सामने आपका थर्ड होगा और सी के सामने आपका फोर होगा और डी के सामने आपका सेकंड होगा तो अब ऐसे देख, देख लेते हैं एक तीन चार दो अंबेडकर अरे भाई क्या हो रहा है मेरा दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा ए बी सी डी अंबेडकर नगर की अगर हम लोग बात करें तो अंबेडकर नगर का ए हो जाएगा ठीक है कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात का आपका तीन हो जाएगा अकबरपुर ठीक है फिर आपका जालौन की बात करें तो जालौन का चार हो जाएगा सिद्धार्थ सिद्धार्थनगर का दो हो जाएगा तेरह बयालीस है ही नहीं उसमें कहीं अच्छा गड़बड़ हो रहा है ये कैसे हो रहा है गड़बड़ हमने पहले ही इसी में कंफ्यूजन हो गया यहीं पे अकबरपुर लेकिन ये गलत है भाई कानपुर देहात का ही तो अकबरपुर है कानपुर देहात का तो अकबरपुर ही है भाई अकबरपुर माती फिर उसके अकॉर्डिंग मिला लेते हैं भाई कानपुर नगर आपका अकबरपुर अम्बेडकर नगर आपका अकबरपुर कानपुर देहात आपका अकबरपुर माती एक के सामने तीन फिर तो यही हो जाएगा आपका इकतीस बयालीस अरे भाई मुझे ही कंफ्यूजन हो गया इसमें तो डी आंसर यहाँ पे फिर करेक्ट हो जाएगा डी आंसर उनतालीस प्रतिशत का है उनतालीस प्रतिशत बच्चों का अगला प्रश्न आ गया उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा काल क्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिए उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम है ना संशोधन अधिनियम तो अब इनको हाँ डी कर दिया है मैंने मुझे खुद ही कन्फ्यूजन अकबरपुर माती और अकबरपुर में हो गया अब आपका डी हो गया यहां पे अब आप अगले सवाल का आंसर कर दीजिए सभी विद्यार्थी ठीक है सभी बच्चे कर देंगे एक बार हाँ जी हाँ। चलो अब इसको एक बार देख लेते हैं उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 1977 सौ में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत आरोपण आरोपण सीमा आरोप सीलिंग एक्ट बोलते हैं 1960 में 1960 में इसे सीलिंग एक्ट बोलते हैं और इसके अनुसार कहा गया कि किसी भी एक व्यक्ति के पास उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य अठारह एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था ये उन्नीस में और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन और इस विधि में संशोधन किया गया उन्नीस में तो सबसे पहला तीसरा आ जाएगा तीसरा तो यहीं पर है सिर्फ फिर आपका चौथा आ जाएगा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम फिर उसके बाद चौथा आ जाएगा और फिर उसके बाद आपका 1960 सेकंड आ जाएगा आज ये गड़बड़ हो क्यों रहे मुझे ये समझाओ पहले तो तुम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम यही तो सबसे पहले आएगा भाई तीसरा ना 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 ना, ना गड़बड़ हो गया उन्नीस में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश भूमि संशोधन भूमि विधि संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ सतहत्तर तो होगा सेवनटी सेवन होगा कैसे गड़बड़ हो जा रहा है भाई आज मुझे क्या हो गया आंसर करो तुम लोग ठीक है हाँ जी आंसर करेंगे सभी बच्चे ये गड़बड़ है भाई सही है एग्जैक्ट है कह रहा ये सवाल लात भाई एग्जैक्ट है सवाल सही है जो मैं बता रहा हूं आपसे उत्तर प्रदेश भूमि संशोधन अधिनियम 1977 ही है 1977 सेवन आप सर्च करके देखो सही है सच में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण 1960 है सही है एकदम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 है पचास इक्यावन तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम इसमें संशोधन बावन में हुआ अरे भाई सही है हले इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप उस पर मत जाइएगा तीसरा पहले आएगा इसमें तीसरा फिर उसके बाद चौथा ठीक है फिर उसके बाद सेकंड और फिर उसके बाद फर्स्ट चौतीस इक्कीस हमारा सही होगा भले इसमें सही नहीं आप टेंशन मत से सही है एकदम तो से इसमें ऑप्शन है ही नहीं नहीं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है कराए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती है तो पात्रता परीक्षा व साक्षात्कार इनमें से किसके द्वारा किया जाता है वो ठीक है चारों अधिनियम आप लोग लिख लीजिए जानकारी के लिए भी है है ना वो आपकी जानकारी के लिए भी है चारों अधिनियम एकदम सही है जो मैंने उनकी सन लिखाई है अब भले अब दुर्भाग्य से पहले एक दो सवाल ऐसा हुआ दुर्भाग्य से हमारी किस्मत इस बाले में अपने आप ऑप्शन खराब हो गए गड़बड़ गर, हो गए ठीक है जैसे मैंने लिखा है एकदम करेक्ट है ठीक है तो उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार इनमें से किसके द्वारा किया जाता है पुलिस उपाधीक्षक देखो आप सब जानते हैं कि पुलिस अधीक्षक को हिंदी में कहते हैं हम लोग एस क्या कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात एस कहा जाता है एस तो आमतौर पर आई अधिकारी होता है तो इनकी नियुक्ति यूपीएससी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं पुलिस अपाधीक्ष उपाधीक्षक इसे डिप्टी एसपी कहा जाता है और डिप्टी एसपी पी पीपीएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी होता है ना पीपीएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी होता है स्टेट का ऑफिसर होता है तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा लोक सेवा आयोग है ना इसका साक्षात्कार और परीक्षा कौन आयोजित करेगा लोक सेवा आयोग तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट है ठीक है बी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट है है ना तो बी कहने वाले बच्चों की जो संख्या है वो पांच प्रतिशत है पांच परसेंट चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं अगला है आपके सामने केवल पांच प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में कुल पुल, रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं उत्तर प्रदेश में रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं बता दीजिए चलिए अनुभाग मतलब एक तरह से कह सकते हैं कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया कितने डिवीजन में उसे डिवाइड किया गया एक बार मैंने शायद पूछा था कि जॉन कितने हैं ना ऐसे करके एक सवाल पूछा था यहाँ पे अनुभाग पूछें उत्तर नहीं रेंज पूछा था मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस की कितनी रेंज है अनुभाग की अगर हम लोग बात करें तो आंसर क्या आ जाए कोई बता रहा है आप में से अनुभाग उत्तर प्रदेश पुलिस के 6 हैं कितने हैं छह अनुभाग हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जिसमें मुरादाबाद एक अनुभाग है गोरखपुर एक अनुभाग है झांसी एक अनुभाग है लखनऊ एक अनुभाग है और आपका प्रयागराज एक अनुभाग है ठीक तो है तो छह अनुभाग हैं छह कहने वाले बच्चों की संख्या जो है वो देख लेते हैं एक बार इकहत्तर फीसद है इकहत्तर फीसद अगला है उत्तर प्रदेश है ना उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट आर्मड है ना कांस्टेबलरी मतलब कांस्टेबल से रिलेटेड जो कानून है हमारे प्रदेश में वो कब पारित किया गया तो आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में आर्मड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया छोटा सा सवाल है बता दीजिए आर्मड कांस्टेबलरी एक्ट कब पारित किया गया हमारे यूपी में 1948 1948 में 1948 अर्थात 1948 में आर्मड कांस्टेबलरी एक्ट पारित किया गया चलिए तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथी साथ ए ही एप्शन छह परसेंट बच्चे केवल 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 जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है अर्जुन है जिस, है है अर्जुन अर्जुन जिस जिसका आंसर सही चलिए तो एक बार हम लीडर बोर्ड देख लेते हैं अब हमारा कल्पना इसमें टॉप पे है वीर धीरेन्द्र सेकंड है और ऐसे करके टोटल बच्चे जिन्होंने कम से कम एक बार सही आंसर दिया नाइन्टी फोर चौरानवे है आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए है ना इस सेशन में आने के लिए और जो अधिनियम वाला सवाल है वो एकदम करेक्ट है बट हमारे उसमें आ, आ, उसमें हमारे मतलब ऑप्शंस नहीं थे कूट में और वो वाला सवाल करेक्ट कर लेंगे अकबरपुर माती वाला और अकबरपुर वाला ठीक है हाँ मैं उसमें कन्फ्यूज़ हो गया था और इसीलिए फिर हमें उसमें ऐप मतलब हमें उसमें फिर ऑप्शनस नहीं मिले थे तो शुक्रिया आप सभी का हम और आप कल मिलेंगे सुबह बारह बजे के सेशन में तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे खुश रहेंगे थैंक यू जय हिंद जय भारत थैंक यू